So, hi students, welcome back, and uh, we are going to continue with the last topic that we studied and we were left with. तो आज हम कंटिन्यू सीरीज की ही आगे बात करेंगे हमने लास्ट क्लास में बात करी एक्सक्लूसिव सीरीज की जिसका हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया था कि जो सीरीज जिसमें हमारा इंटरवल uh, जो रहता है वो कंटिन्यूस होता है जैसे जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी यानी मेरी अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास बिकम्स इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास तो ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होती हैं हमने इसमें बात करी थी कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ हमेशा आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए यानी आपका कोई भी वेरिएबल ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी लोअर लिमिट से नंबर इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए और हमारी अपर लिमिट से नंबर हमेशा कम होना चाहिए तो अगर हम बात करें सीरीज की ज़ीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी सो so टेन जो है वो फर्स्ट क्लास में नहीं फॉल करेगा वो हमेशा सेकेंड क्लास में फॉल करेगा फर्स्ट क्लास में कौन से नंबर्स फॉल करेंगे नंबर्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन देन बट आर लेस और नेक्स्ट क्लास में कौन से फॉल करेंगे नंबर विच आर इक्वल टू टेन और ग्रेटर और लेस और ग्रेटर देन बट लेस देन ट्वेंटी ओके सो ये हमने एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करी थी अब हम हमारी इंक्लूसिव सीरीज पे आते हैं सो इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है द क्लास ऑफ द टाइप दी टेन टू नाइनटीन अब आप, आप इसमें देख रहे हैं कि दो नंबर्स जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहे दैट इज हमारी जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू द नेक्स्ट क्लास लोअर लिमिट सो द क्लासेस ऑफ द टाइप 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू थर्टी एक्सेट्रा वेर इन ऑल दी ऑब्जर्वेशन विद द मैग्नीट्यूड ग्रेटर मैगनी और इक्वल टू द लोअर लिमिट एंड लेस देन और इक्वल टू द अपर लिमिट सो मतलब इसमें मेरी अपर लिमिट और मेरी लोअर लिमिट दोनों ही इंक्लूडेड होंगी लास्ट में क्या हो रहा था कि मेरी लोअर लिमिट इंक्लूड होती थी और अपर लिमिट जो होती थी वो नेक्स्ट क्लास में आती थी इसमें मेरी जो लोअर लिमिट है और जो मेरी अपर लिमिट है वो दोनों ही इसी क्लास में आएंगी तो यानी कि अगर मेरा नंबर टेन आता है तो so, टेन भी मेरा फर्स्ट में आएगा और नाइनटीन भी मेरा फर्स्ट में ही आएगा सो ऑल दी ऑब्जर्वेशन विद अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर दर्वेशन और इक्वल टू द लोअर लिमिट और लेस दैन और इक्वल टू द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास आर इंक्लूडेड इन इट आर नोन एज एक्सक्लूसिव क्लासेस वेट देयर देयर इज इज अ अ एरर इट इज नोन एज इंक्लूसिव क्लासेस ओके

एंड लेस देन और इक्वल टू 19, सो so, यानी 10 से लेकर 19 तक सारी ऑब्जर्वेशन मेरी इसमें फॉल कर जाएगी ओके सो so, आपको क्लियर हुआ कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बीच में डिफरेंस क्या है ओके सो so, अब हम एक क्वेश्चन जो है वो इंक्लूसिव का भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए लास्ट क्लास में हमने एक्सक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन सोल्व किया था सो so, आइए एक क्वेश्चन हम इंक्लूसिव सीरीज का भी सॉल्व कर लेते हैं आप इसको पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकें सो दीज आर अ क्लास इससे आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रैक्टिस हो रही है एंड दीज आर द्री सब पार्ट दैट वी आंसर तो आप लोग पहले इसे नोट करो वीडियो पॉज करो यहीं पर And just note this down. So, come, let's just solve this question first. तो so, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सबसे पहले हम हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल उन्होंने इस क्वेश्चन में हमारे लिए बहुत ईजी कर दिया उन्होंने हमें क्लास इंटरवल ऑलरेडी दे दिए हैं सो so, हम ये क्वेश्चन बेसिकली कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए ताकि हमें पता चल जाए कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस लाई करता है तो so, आप लिखिए सबसे पहले मार्क्स क्योंकि ये मार्क्स ही हैं ठीक है दैट इज आर क्लासेस

टेन टू नाइनटीन क्योंकि ये हमारा इंक्लूसिव है ओवरलैप नहीं करेगा इसमें अब मैं लिखूंगी ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थर्टी नाइन देन फोर्टी टू फोर्टी नाइन कहाँ तक बनाने मेरे को इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था हमें सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना पड़ता था वो तो हमने निकाला ही नहीं हाईएस्ट मार्क्स कितने हुए हमारे इनमें देखिए सबसे हाईएस्ट कितने हैं मेरे फिफ्टी नाइन दिख रहा है अभी तक आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ दिख रहा है सो आई थिंक हाईएस्ट मार्क्स आ फिफ्टी नाइन एंड लोएस्ट आ लोवेस्ट मार्क्स निकालने की वैसे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने लोअर क्लास इंटरवल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो हमें स्टार्ट ही वहीं से करना होगा बट हम अपना यूजुअल स्टेप जो फॉलो करते हैं हम वो फॉलो करते हुए चलते हैं मेरे को लोएस्ट मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे थ्री ओके सो आई डाउन थ्री तो यानी हमें एक और क्लास इंटरवल जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें फिफ्टी मार्क्स तक इंक्लूड करने हैं ओके सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया सो आई ए हमारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डूइंग द टैली मार्क्स लेट्स जस्ट कंप्लीट दैट फर्स्ट सो द फर्स्ट नंबर इज वी मूव वर्टिकली फर्स्ट नंबर थर्टी थ्री इट फॉल्स अंडर द फोर्थ क्लास जस्ट अ आई ड्रॉ दॉरिजोंटलो सो दैट द टैली मार्क्स दे डोंट गेट इंटरमिंगल्ड सो फर्स्ट इज थर्टी थ्री इट कम्स इन द फोर्थ क्लास नेक्स्ट इज सिक्सटीन इट कम्स इन द सेकेंड वन देन फोर्टी फाइव इट कम्स इन द फिफ्थ क्लास फिफ्टी टू इट कम्स इन द लास्ट वन दैन फोर्टी वन इट अगेन कम्स इन द सेकेंड लास्ट वन देन नाइनटीन सेकेंड क्लास में आएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर किस में आएगा ट्वेंटी फोर आएगा हमारी थर्ड क्लास में टेन टेन आएगा सेकेंड क्लास में थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स आएगा फोर्थ क्लास में देन थर्टी अगेन फोर्थ क्लास ट्वेंटी फाइव थर्ड क्लास फोर्टी सेकेंड लास्ट क्लास दैट इज द फिफ्थ क्लास देन फिफ्टीन फिफ्टीन कम्स इन द सेकेंड क्लास देन थर्टी फोर थर्टी फोर कम्स डाउन इन द फोर्थ क्लास then we were on 53 53 comes in the last class 30 comes in the fourth class here we mark it as 5 then 52 comes in the last class then 45 comes in the second last class उसके बाद 55 पे आइए 55 जो है लास्ट क्लास में आता है then 27 27 हमारी थर्ड क्लास में आता है 36 36 फोर्थ क्लास में आता है then 11 11 हम यहाँ पे हैं साथ साथ करिए इलेवन आता है सेकेंड क्लास में फिफ्टी नाइन लास्ट क्लास टेन सेकेंड क्लास अगेन ट्वेल्व सेकेंड क्लास देन फोर्टी टू फोर्टी टू कम्स इन द फिफ्थ क्लास देन थर्टी थर्टी कम्स इन द फोर्थ वन देन सिक्सटीन सिक्सटीन कम्स इन सेकेंड Then 47, 47 comes in the fifth one. Then 31, 31 comes in the fourth one. We were where? We were here now. Then 47, then we did 31, then 14. So 14 comes in your second class. Then 19 comes in your second class again then 34 again comes in your fourth class then 6 comes in your first class finally first class maybe ko gaya 6 comes in your first class then 40 40 comes in your second last class then 47 47 then 17 17 then 42 42 comes in second last then 21 21 comes in the third one then 40 again comes in the second last one. Then 3. 3 comes in the first class. Then 39. 39 comes in your fourth class. Then 49. It again comes in your fifth class. Then 6 comes in the first one. Then 25. 25 comes in the third one. Then 52. 52 comes in the last one. Then 44. 44 comes in the second last one. 32 32 comes in the fourth one 54 54 comes in the last one and then 26 26 comes in the third one okay so here we have completed the tally marks pehla ki frequency 3 then this makes it 11 5 plus 5 plus 1 okay 11 then 5 plus 1 6

ओके okay? सो so, ये एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने आंसर से टैली कर लो इसको प्रेफरेबल है कि आप खुद ही करो बिकॉज आपको एक हैबिट पड़ जाएगी एंड यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स इन एग्जाम्स, ओके सो नेक्स्ट पार्ट इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स मोर देन थर्टी सो हमारे सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम सेकेंड पार्ट क्या कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ंग इसका ए पार्ट है पहले मोर देन देर्टी मार्क्स मोर देन थर्टी मार्क्स मतलब आपके कौन सा क्लास इंटरवल आएगा आपका हम फोर्थ से शुरू करेंगे थर्टी से ज्यादा चाहिए ना हमें तो यहाँ पे इलेवन प्लस ट्वेल्व प्लस सेवन दैट मेक्स इट थर्टी सो देआर थर्टी स्टूडेंट्स हुआ थर्टी मार्क्स नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग लेस देस लेस नाइनटीन यानी नाइनटीन से कम नाइनटीन से कम मतलब आप कौन सी क्लासेस को देखेंगे आप देखेंगे फर्स्ट टू क्लासेस को बिकॉज वो हमारी लेस देन नाइनटीन है सो दैट मेक्स इट इलेवेन प्लस थ्री मैट इज फोर्टीन स्टूडेंट्स ओके थर्ड हमसे क्या पूछ रहे हैं हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मार्क्स बिटवीन ट्वेंटी एंड फोर्टी नाइन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ट्वेंटी एंड फोर्टी नाइन कितने होंगे ये ट्वेंटी और फोर्टी नाइन के बीच में पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे देखोगे आपकी यहाँ पे क्लास कौन सी है ट्वेंटी यानी ये और फोर्टी नाइन यानी ये इनमें कितने बच्चे आ रहे हैं सिक्स प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व सो इट मेक्स इट सिक्स प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व सो इट मेक्स इट हाउ मच ट्वेंटी स्टूडेंट अब परसेंटेज निकालनी है सो so परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे ट्वेंटी नाइन अपॉन टोटल नंबर कितना था हमारा फिफ्टी इंटू हंड्रेड सो दिस कम आउट टू बी फिफ्टी एट परसेंट ओके सो इजी दिस इज वेरी इजी आप लोग एक बार सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपने मेरे साथ ही बनाया होगा वैसे ये ओके सो दिस इज व्हाट इंडिविजुअल सीरीज वाज़ कि आप जो है क्लास इंटरवल्स की कोई भी नंबर को ओवरलैप नहीं करते हैं सो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल कि आपको पता है कि आपका नंबर एक ही क्लास में फॉल कर रहा है एक्सक्लूसिव में याद रखना कि जब भी नंबर जो होगा वो हमेशा नेक्स्ट वाले इंटरवल में फॉल होता है जैसे टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी तो ट्वेंटी किस में फॉल करेगा ट्वेंटी टू थर्टी वाली कैटेगरी में ना कि टेन टू ट्वेंटी वाली कैटेगरी में ओके सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है तो अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे सो स्टेप्स टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल यानी एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का अपर लिमिट देखो और उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो है उसका लोअर लिमिट देखो ऐड हाफ ऑफ दिस डिफरेंस टू द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास यानी ये जो डिफरेंस आया उसको आप डिवाइडेड बाय टू करोगे यू हैव टू ऐड हाफ ऑफ दिस डिफरेंस टू द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग हाफ फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल यानी जो अपर लिमिट है उसमें आप ये हाफ ऐड करोगे प्लस हाफ और जो लोअर लिमिट है उससे आप ये हाफ क्या करोगे सब करोगे ओके सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड यू हैव टू ऐड हाफ टू दाफी अपर लिमिट सो जस्ट नोट दिस डाउन फर्स्ट सो यू हैव टू फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन वर्ड डिफरेंस बिटवीन दी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास एंड देन जो ये डिफरेंस होगा उसको डिवाइडेड बाई टू करके जो आपकी अपर लिमिट्स होंगी उनमें ये हाफ को ऐड कर दो और लोअर लिमिट से हाफ को कर दो ओके? प्रोसीजर फिल्स अप द गैप बिटवीन द टू क्लासेज एंड देर बाई वी गेट दी एक्सक्लुसिव सीरीजर लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द न्यू एक्सक्लूसिव सीरीज आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज तो इससे जो दो उसके बीच में इंटरवल होता है वो एक तरीके से फिल अप हो जाता है तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसपे हमें कन्वर्ट करना है इसमें सो आप लोग पहले वीडियो पॉज करो और ये नोट डाउन करो यहां पे पहले ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन करो और फिर इधर वीडियो पॉज कर लीजिए

एक्सक्लूसिव तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता था हमारे उन्होंने बोला था कि कैल्कुलेट द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर ऑफ द नेक्स्ट क्लास सो द डिफरेंस इज द डिफरेंस बिट्वीन अपर लिमिट and lower limit of the next class so it comes down to what 20 minus 19 which is 1 so the difference is 1 second step kya hota tha hamara add karo half of this so half of the difference हाफ ऑफ द डिफरेंस इज वर्ड पॉइंट फाइव अब आपको ये पॉइंट फाइव को आपकी अपर लिमिट्स में एड करना है और लोअर लिमिट्स में सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है हाफ ऑफ द डिफरेंस आट पॉइंट फाइव विल बी एडेड टू द अपर लिमिट्स एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वॉर्ड द लोअर लिमिट ओके टेबल बनाओगे जो आपका एक्सक्लूसिव सीरीज का होगा यहां आपके मार्क्स एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो ये आपका किसका टेबल है एक्सक्लूसिव सीरीज यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो अब ये बन गया हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज ओके सो आपका सबसे पहला क्लास इंटरवल कौन सा था टेन टू नाइनटीन सो आपको लोअर में से 0.5 फाइव करना है यानी 10 में से 0.5 फाइव सब्ट्रैक्ट किया बना 9.5 और अपर में 0.5 फाइव एड करना है तो so, 10 टू 19 में 19 में 0.5 फाइव एड करना है तो ये बन गया 19.5. पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्लास आपकी थी ट्वेंटी टू

और 49 में 0.5 ऐड करो 49.5 नेक्स्ट आपकी कौन सी थी 52 टू 59 50 में से किया सबट्रैक्ट 0.5 क्योंकि लोअर लिमिट है तो 49.5 बन गया और 59 में ऐड किया 0.5 क्योंकि अपर लिमिट है तो 59.5 बन गया नेक्स्ट और लास्ट आपकी 60 टू 69 60 में से 0.5 सबट्रैक्ट कीजिए तो ये बना देता है 59.5 और ऐड करेंगे तो ये बना देता है ओके okay? तो आप देख रहे हैं ये अब कंटिन्यूस हो गया पूरा कोई गैप नहीं है इज नो गैप इनके आगे इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दीजिए फोर देन टू देन ट्वेल्व टेन नाइन एंड थ्री सो इट मेक्स इट फोर्टी अगेन ओके सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव ओके You just find the difference divided by 2, then add the difference to the upper limits and subtract the difference from the lower limits. Okay, so now we move on to the next type of distribution.

Below 20 मतलब हमें lower limit इसमें नहीं दी गई है आपकी है और फिर उसके बाद आपको लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं दी हुई उसमें आपको बस कह दिया है अबव फिफ्टी यानी फिफ्टी एंड अब लास्ट क्लास की लोअर दी हुई है बट उसको इनडेफिनेट दिया है सो so इसमें हमारी लोअर लिमिट नहीं डिफाइंड ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट नहीं डिफाइंड ऑफ द लास्ट क्लास सो दिस इज कॉल्ड एन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो अब हम देखते हैं कि हम अपने ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कंटीन्यूअस सीरीज में चेंज करते हैं सो so पहले हम सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओपन एंड सीरीज इनटू अ कंटीन्यूअस सीरीज केस 1 यानी पहला टाइप कौन सा हो सकता है इसका कि यूनिफॉर्म क्लास विर्थ ऑफ द नोन क्लास इंटरवल इफ द गिवन क्लास इंटरवल्स आर यूनिफॉर्म देन वी कैन अज्यूम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड दैट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल कि जब हमारी दोनों क्लासेस की विर्थ है वो है सेम है सब क्लासेस की विर्थ हमें सेम दी गई है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी लोअर की भी वही होगी और अपर की भी वही होगी जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ मेरे को दिया हुआ है लेस देन टी ट्वेंटी थर्टी टू फोर्टी एंड आई एम गिवन अब फोर्टी तो जब मुझे ऐसी सीरीज दी हुई है जहाँ पे मेरी हर एक क्लास के बीच की बिट जो है वो यूनिफॉर्म है टेन 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 ओके तो मतलब मैं एग्जाम्पन ले सकती हूँ कि मेरी अपर यानी मेरी फर्स्ट क्लास की भी टेन होगी और मेरी लास्ट क्लास की भी 10 होगी तो इसको मैं अज्यूम uh, करके कैसा बना सकती हूँ आई कैन मेक इट जीरो मेरी सारी क्लासेस की विथ जो है वो सेम दी गई है सो केस वन यूनिफॉर्म क्लास गिवन क्लास अज्यूम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड ऑफ द लास्ट So, uniform trend of class width are known in the each class interval. Okay. So if the given class interval are showing a uniform trend, pattern intervals So if the given class intervals are showing a uniform trend, then we can determine the lower limit of the first class and the upper limit of last class after adjusting it with the ट्रेंड कि अगर हमें कोई ट्रेंड दिख रहा है हम कह रहे हैं कि इनकी विथ जो है एक ट्रेंड एक पैटर्न के हिसाब से मूव कर रही है तो हम हमारी जो फर्स्ट क्लास है और लास्ट क्लास है उसको उस पैटर्न के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी तो सपोज करिए कि ये में हमारा केस टू है जब हम ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं तो लेट्स फर्स्ट क्लास इज लेस देन टेन ओके then is 10 to 30 then then 30 to 60 60 to 100 and then we are saying above 100 okay so can you guys see a pattern over here yahan pe koi pattern ban raha hai pehla keh rahe hain hum less than 10 उसके बाद हमने कह दिया 10 to 30, 30 to 60, 60 to 100. आप इनकी विट्स देखिए इसकी width कितनी आ रही है 20. okay? इसकी विथ कितनी आ रही है थर्टी इसकी विर्थ कितनी आ रही है फोर्टी मतलब हर एक क्लास इंटरवल की विथ जो है वो टेन टेन से बढ़ती जा रही है दैट इज़ आर फॉलोइंग अ पैटर्न तो यानी अगर ये ट्वेंटी थर्टी फोर्टी मूव कर रहा है तो नेक्स्ट कितने पे मूव करेगा फिफ्टी पे ओके एंड इससे पहले कितने पे मूव किया होगा टेन पे तो यानी ये एक पैटर्न ऑब्जर्व करके मैंने एडजस्टमेंट कर दी तो मैं इसको क्या बना सकती हूँ यहाँ पे मेरा जीरो टू टेन की वेट्स ला सकती हूँ मैं फिर ये एज इट इज चलेंगे 60, 60 सो okay? so okay? so ये हमने एक ट्रेंड एडजस्टमेंट की हमने एक ट्रेंड को ऑब्जर्व किया और हमने हमारी लोअर लिमिट लोअर क्लास को और अपर क्लास को उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट दे दी सो लास्ट केस इस में होता है हमारा कि केस थ्री डिफरेंट क्लास विड्थ ऑफ नॉन क्लास इंटरवल सो इफ द क्लास इंटरवल आर ऑफ डिफरेंट विड्थ देन द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड कि अगर इनमें कुछ पैटर्न ही नहीं है देयर दे आर जस्ट वेक देयर इज नो पैटर्न दैट इज बींग फॉलोड तो हम क्या करते हैं तो तो हमारा ये डिटर्मिन ही नहीं होगा कि अगर सपोज यहाँ लेस देन टेन दिया हो ओके okay, यहाँ पे इंटरवल है मेरा टेन टू ट्वेंटी यहाँ कर देते ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वी मेक इट ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी देन वी प्रॉब्ली मेक इट फोर्टी टू सिक्सटी तो आप देखोगे देन वी मेक इट मोर देन सिक्सटी तो यहाँ पे क्या कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है इसकी विट देखो टेन इसकी फाइव देन वी कम टू फिफ्टीन देन वी कम टू ट्वेंटी सो देर इज नो पैटर्न बी फॉलोड तो मैं डिटर्मिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ना ही ये क्लास विट जो है इक्वल है तो जब ऐसा केस होता है कि जब मेरी क्लास विट इक्वल नहीं होगी जब मेरा कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है तो मेरी सबसे लोअर क्लास और सबसे अपर क्लास जो होगी वो इनडिटर्मेंट रहेगी ठीक है वो हम डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे सो so, ये हमने ओपन एंड के थ्री केसेस डिस्कस करें अब नेक्स्ट आ जाइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दैट इज लेस देन और मोर देन सीरीज इन इनऑट क्यूमुलेटिव क्या मतलब होता है पहले आप एक बताइए आप बहुत बार ये टर्म पढ़ भी चुके हैं क्यूमुलेट मतलब एडअप करना ओके okay? जब हम जानना चाहते हैं कि ये एडअप करके कितनी वैल्यू बनाएंगे सो इन ऑर्डर टू नो द टोटल नंबर ऑफ गेटिंग अ वैल्यू लेस और मोर ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ क्लास क्यूमुलेटिवली फ्रीक्वेंसी इज यूज अगर मेरे को जानना है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स मोर देन फोर्टी आए हैं ओके सो इफ द मार्क्स आर आउट ऑफ हंड्रेड एंड आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्स मोर देन है ओके सो आई एड अप ऑल द मार्क्स विच आर मोर देन फोर्टी एंड दिस एडिंग अप इज नोन एज अशन ओके सो एग्जाम्पल अगर हम इसका एक देखे हमें यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं तो मार्क्स हमें दिए हैं जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं अब उन्होंने बोला है कि आप लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी आप आपकी अपर लिमिट्स को लोगे ओके यू विल टेक ऑल दी अपर लिमिट्स एंड यू विल से लेस दैन टेन लेस दैन ट्वेंटी लेस दैन थर्टी लेस दैन फोर्टी लेस दैन फिफ्टी लेस दैन सिक्सटी ओके एंड आप इनको जो है अडॉप्ट करते रहोगे कैसे देखते हैं सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हेन वी से लेस देन 10 यानी 10 से कितने कम है 10 से तो सिर्फ दो ही कम है है ना ऊपर वाले डाटा में देखो तो 10 से सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स हैं उसके बाद लेस देन 20 यानी 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं तो यानी ट्वेंटी से कम में हमारा जीरो टू टेन का इंटरवल भी आ जाएगा तो ट्वेंटी से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं टू जो है वो आ गए जीरो टू टेन वाला इंटरवल और फाइव जो आ गया वो टेन टू ट्वेंटी वाला इंटरवल सो so ट्वेंटी से कम मार्क्स चाहिए तो मतलब मैं उसके ऊपर वाली क्लासेस को भी एडअप कर दूँगी तो यानी टू प्लस फाइव लेस देन थर्टी यानी थर्टी से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं अब थर्टी से कम मतलब ज़ीरो टू थर्टी सारा कवर हो जाएगा तो यानी जीरो टू थर्टी जो भी मेरी क्लास इंटरवल्स बने हैं वो सारे की फ्रीक्वेंसी ले लो तो जब आप ज़ीरो टू थर्टी लोगे तो आप ज़ीरो टू टेन भी ले लोगे टेन टू ट्वेंटी भी ले लोगे ट्वेंटी टू थर्टी भी ले लोगे सो यू विल अप टू प्लस फाइव प्लस टेन विच मेक्स इट सेवेंटीन ओके सो व्हेन आई टॉक अबाउट लेस देन 40 मार्क्स मतलब 40 से कम दैट इज 0 टू 40 सारा इंक्लूड कर दो तो यानी आपके 40 से जो पहले वाले क्लास इंटरवल्स हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी आप एड अप कर दोगे सो व्हिच मेक्स इट 2 plus 5 plus 10 plus 12 ओके सो नेक्स्ट कमिंग डाउन टू लेस देन 50 जब हम लेस देन 50 की बात कर रहे हैं तो so, यानी 50 से कम दैट इज जीरो टू 50 आपके कितने इंक्लूड हो जाएंगे सो जीरो टू 50 मीन्स टू प्लस फाइव प्लस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस तो आप बहुत ही लॉजिकली चलो देर इज लर्न इन दिस और नथिंग टू अप इफ आर टेलिंग मतलब आप जीरो से फिफ्टी सब क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी को एडअप कर दो एंड 60, मतलब मेरा पूरा डेटा ही इंक्लूड कर दो कि ये सारे बच्चों के मार्क्स जो है ये लेस देन सिक्सटी है ओके okay? तो ये हमारी लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी आइए अब एक बार मोर देन भी डिस्कस कर लेते हैं मोर देन क्यूम्युलेटिव मतलब कि वो निकालना चाहते हैं कि मोर देन 0 कितने हैं यानी 0 से ज्यादा कौन से कौन से बच्चे हैं 0 से ज्यादा तो सारे बच्चे हैं तो हमारा ये ओवरऑल पूरी क्लास आ गई अब वो पूछ रहे हैं मोर देन 10 यानी सिर्फ 10 से ऊपर बताओ सो जब 10 से ऊपर बताना है तो यानी 10 वाले को आप एक्सक्लूड कर दो सो so टू के अलावा बाकी सारे बच्चे जो हैं, उन सबके मार्क्स मोर देन 10 है सो इट मेक्स इट ओके जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है तो आप इसको 48 कर दीजिए ओके मेक इट 48 देन इट कम्स डाउन मोर देन 20 मोर देन 20 मतलब कि 20 से ज्यादा किन किन बच्चों के मार्क्स हैं 20 से ज्यादा किन किन के होंगे 10 प्लस 12 विच मेक्स इट 22 22 प्लस 17 आपका कितना होता है 39 39 प्लस 4 कितना होता है आपका थर्टी नाइन प्लस फोर एक सेकेंड रुकिए। सो जब हम मोर देन की बात कर रहे हैं सो मोर देन ट्वेंटी में आपके बीस से ज्यादा किन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे ओके सो मोर देन ट्वेंटी में आपका एड हो जाएगा एक सेकेंड तो थर्टी नाइन पे आए थे थर्टी नाइन प्लस फोर कितना होता है फोर्टी थ्री ये यहाँ पे कुछ एरर हो गया है आप इसको ठीक कर लो सो मेक मेक दिस दिस सोक थ्री मोर देन थर्टी की बात करें हम यानी थर्टी से ज्यादा किन स्टूडेंट्स के मार्क्स है थर्टी से ज्यादा है ट्वेल्व दिस मेक्स इट ट्वेल्व प्लस सेवनटीन प्लस फोर ट्वेल्व प्लस सेवनटीन प्लस फोर ये आप यहाँ पे हटा दीजिए प्लीज ट्वेल्व प्लस सेवनटीन प्लस फोर मेक्स इट थर्टी थ्री ओके हैं सिर्फ इन दोनों के सो सेवनटीन प्लस फोर विच मेक्स इट ट्वेंटी वन एंड मोर देन फिफ्टी जो है हमारा लास्ट इंटरवल बात हो रहा है सो so, जब हम मोर देन की बात कर रहे होते हैं तो हम वो नंबर्स लेंगे जो उनसे ऊपर आ रहे हैं ओके एंड जब हम लेस दैन की बात करेंगे तो हम ऊपर से नीचे क्यूमुलेट करते रहेंगे तो आप एक बार इससे घर पर जाके भी देखिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सो so, एक बार आप मोर देन जीरो में देख लो मोर देन जीरो में हमारे सारे ऐड हो जाएंगे दैट इज टू प्लस फाइव प्लस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस सेवनटीन प्लस फोर ओके दिस कम्स टू बी मोर देन जीरो मोर देन टेन जो है वो हमारे हो जाएंगे फाइव प्लस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस सेवनटीन प्लस फोर ओके मोर देन ट्वेंटी जो है वो हो जाएंगे हमारे टेन प्लस ट्वेल्व प्लस सेवनटीन प्लस फोर ये कुछ एरर हो गया था यहाँ पे इसको आप ठीक कर लो एंड जो राइटर डाउन नोटबुक्स आज के लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो कि है हमारा इक्वल एंड क्लास इंटरवल्स सो द इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज इज व्हेन द क्लासेस इन अ सीरीज आर ऑफ द सेम इंटरवल इट इज नोन एज द इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज ओके जब मेरी सीरीज के इंटरवल्स जो है वो सेम होंगे तो जैसे टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी यानी मेरी विथ सेम आ रही है सो दीज आर नोन एज इक्वल क्लास इंटरवल्स When the class intervals are not equal, it is known as unequal class intervals. जैसे 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70. तो so, यानी मेरी हर एक class interval जो है वो equal नहीं है. पहले का था 10 difference, दूसरे का 20, तीसरे का 30. So जब मेरा class interval equal नहीं होता है, उसे कहते हैं हम unequal class interval. Okay? आप लोग ये note down कर लीजिए. अब हमने कौन सी कौन सी सीरीज डिस्कस कर ली है हमने कंटिन्यूस सीरीज में इक्वल एंड अनुअल तक हम आ गए हैं एक बार हम इसको देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हमारे हो गए हैं सो so, हमारी अभी तक ये सारी सीरीज कवर हो गई एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव ओपन एंड भी हमने कवर कर ली है क्यूमुलेटिव भी जिसमें हम लेस देन मोर देन की बात करते हैं इक्वल एंड अनक्वल नेक्स्ट क्लास हम मिड सीरीज डिस्कस करेंगे और हमारा उसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी का एंड फिर हम थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपके एनसीआर टी के पीछे के क्वेश्चन करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर को कम्प्लीट कर देंगे टिल देन यू गाइज प्लीज जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग दैट वी हैव डन प्रैक्टिस द क्वेश्चन आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच